क्लास थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड यूनिट 5 द बैलून मैन। टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। वेयर मीन्स कहाँ। बैलून मैन स्टैंड होता है, खड़ा होता है। बैलून मैन कहाँ खड़ा होता है। स्टैंड मीन्स खड़ा होता है। कहाँ खड़ा होता था बैलून मैन। मार्केट में स्क्वायर प्लेस पे। तो हम क्वेश्चन में से बनाएंगे द बैलून मैन स्टैंड्स। स्टैंड के साथ एस लगेगा। स्टैंड्स यहाँ पर आइए। इन द मार्केट स्क्वायर। इन द मार्केट स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द बैलून मैन स्टैंड्स। एस लगेगा साथ में क्योंकि डज प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेजेंट में ही आंसर देंगे। द बैलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। पेज नंबर 43 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 43 पर इन द मार्केट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। व्हाट हैपन्स मीन्स क्या होता है बैलून्स को। व्हेन देयर इज अ विंड जब हवा चलती है। हम क्वेश्चन में से बनाएंगे व्हेन देयर इज अ विंड द बैलून्स स्टार्ट टगिंग। बांधना शुरू कर देते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ विंड द बैलून्स स्टार्ट टगिंग। बस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मीनिंग, जब विंड चलती है, तेज हवा चलती है, तो बैलून्स के साथ क्या होता है। व्हाट हैपन्स क्या होता है, क्या होता है बैलून। क्वेश्चन में से व्हेन देयर इज अ विंड द बैलून्स स्टार्ट टगिंग। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू। बच्चा क्या देखते रहता है जब बैलून मैन जो करता है तो बच्चा उसको देखता है, क्या देखता है। द चाइल्ड यहाँ पर वुड लगाएंगे। द चाइल्ड वुड लाइक टू सी द बैलून मैन। डू को काटना है। टू लेट द बैलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई। ऊपर उड़ते हुए देखता है, उसको बहुत मजा आता है ना देखते हुए। टुडे वी विल डू ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके ओके।